So hello guys, welcome to Pharma Hotspot. In this video, we're going to discuss about herbs as health food. So guys, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पहले उसकी इंट्रोडक्शन कि आपका हेल्थ फूड होता क्या है, उसके बाद कुछ हम पढ़ेंगे हेल्थ फूड जैसे कि अपना अल्फा अल्फा हो गया, चिकोरी, ये एक फ्लावर होता है गाइज, जिंजर जिसको हम अदरक बोलते हैं हिंदी में, फेनुग्रीक जिसको हम मेथी बोलते हैं, गार्लिक प्लांट, लहसुन का पेड़ हो गया, हनी शहद हो गया, अश्वगंधा ये भी प्लांट होता है, हिंदी में अश्वगंधा ही बोलते हैं, आंवला हो गया, और एक हो गया लास्ट में स्पायरुलिना जो एक समुंदर में पाई जाने वाली एल्गी होती है। सो वन बाय वन हम करके इन सबको डिस्कस करते हैं गाइस। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि हेल्थ फूड होता क्या है। सो हर्बल टेक्नोलॉजी रिलेटेड वैल्यू एडेड प्लांट प्रोडक्ट्स डिजाइनर फूड। सो ये जो टेक्नोलॉजी है वो प्लांट प्रोडक्ट को ऐड करती है जो नेचुरली रिच हो इन डिसीज प्रिवेंटिंग सब्सटेंस में। सो जो डिसीज को प्रिवेंट कर सके उन सब्सटेंस को ऐड करती है, तो वो होती है हर्बल टेक्नोलॉजी। सो इसने बेसिकली थ्री टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है फंक्शनल फूड। फंक्शनल फूड क्या होता है, वो मॉडिफाइड फूड और या फिर हम कहते हैं उसको फूड इंग्रेडिएंट डेट में प्रोवाइड अ हेल्थ बेनिफिट बियॉन्ड द ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट्स इट कंटेन। जो हमको हेल्थ प्रोवाइड करती है ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा, मतलब हम कहते हैं मॉडिफाइड की पहले इतना फ़ायदा नहीं करती थी वो, बट आज टेक्नोलॉजी के कारण वो हमको उसको डेवलप कर दिया है और वो अच्छे से अब अपना इफेक्ट शो करती है। सेकंड है न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये वो केमिकल कंपाउंड है जो फूड में पाए जाते हैं इंक्लूडिंग विटामिन और एडिटिव्स डेट में एड इन प्रिवेंटिंग डिसीज। सो सारे विटामिन जो हम कैप्सूल वगैरह लेते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, वो सारे न्यूट्रास्यूटिकल है। बेसिकली आप समझ सकते हो कि जैसे एक ड्रग है पैरासीटामोल। सो पैरासीटामोल क्या है, उसका मेन ड्रग है और वो एक्सट्रैक्ट करिए किसी और चीज़ में से। सो ऐसे ही जैसे हमने फूड में से एक्सट्रैक्ट कराया तो वो हो गया न्यूट्रास्यूटिकल। जैसे हमको विटामिन सी चाहिए तो विटामिन सी का सोर्स है सिट्रस फ्रूट। हमने कोई भी सिट्रस फ्रूट ले लिया, हमने ऑरेंज ले लिया, कुछ भी ले लिया, सो उसमें से हमने विटामिन सी को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको कैप्सूल बना दिया, तो वो कैप्सूल है न्यूट्रास्यूटिकल। सो गाइज, इफ यू वॉन्ट टू सी द फुल लेक्चर अबाउट न्यूट्रास्यूटिकल, यू कैन प्रेस द आई बटन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो जो थर्ड है कैटेगरी वो है फार्मा फूड। सो फूड और न्यूट्रिएंट दैट क्लेम मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। सो ये वो फूड और न्यूट्रिएंट होते हैं जो क्लेम करते हैं हेल्थ बेनिफिट तो है, प्लस में ये ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज भी हेल्पफुल है, जैसे फाइटोकेमिकल हो गए। सो ये सारे हमारे फार्मा फूड हैं। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट है वो है अल्फा अल्फा। सो अल्फा अल्फा मेनली जो ग्रो होता था वो एनिमल फीड के लिए ग्रो होता था, बट कुछ सालों में हमने ये देखा है कि इट स्टार्टेड टू मोर ऑफ्टन फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन, कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी अच्छी है और वो रिच सोर्स है कुछ मिनरल्स का, प्रोटीन्स का, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, तो इन सब का अच्छा सोर्स है। बीटा कैरोटीन हो गया, विटामिन हो गया, प्रोविटामिन हो गया, सो इन सब का अच्छा सोर्स है। पहले हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते थे बट इन रिसेंट ईयर्स ह्यूमन कंजप्शन के लिए हम यूज़ करने लगे। सो अल्फा अल्फा फाउंड रिच सोर्स ऑफ डाइट्री मिनरल्स। उसके बाद ये थियोरिन, मिथायोनिन, वेलिन, टायरोसिन, इन सबको अमीनो एसिड्स को है इसके अंदर प्रेजेंट है। तो सेकंड थिंग उसकी हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो पहला है हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, स्किन को रेडियंट बनाएगा, ग्लो करेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करेगा और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को दूर रखेगा, कैंसर प्रिवेंट करेगा, एक्स्ट्रा ब्लड को कम करेगा और किडनी स्टोन्स होंगे उसको भी एलिमिनेट करेगा बॉडी से, बॉडी को बेसिकली क्लीन करेगा, जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो बाहर निकालेगा, किडनी को और यूरिनरी हेल्थ को मेंटेन करेगा और ब्लड शुगर को कम कर देगा। तो ये तो बात हो गई उसकी हेल्थ बेनिफिट की। और इसके अलावा इसकी अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन है, मिनरल्स है और अस्थमा को रिलीव करता है और एलर्जी को, हेल्थ डिसीज प्रोटेक्शन में, किडनी फंक्शन में, यूरिनरी सिस्टम में, लोअर कोलेस्ट्रॉल। तो ये सारे वही पॉइंट हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन की, सो ये एक हर्बेशिय पेरेनियल लेग्यूम है, आफ्टर देन 5 to 25 स्टेम्स इसमें प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें इसके हाइट की तो ये 15 to 25 इंच इसकी हाइट होती है और जो लीफ इसकी अरेंज है वो ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज है। उसके बाद बात करें अगर हम अपनी सेकेंड ड्रग की जो है चाइकोरी, वो एक प्लांट है बेसिकली, इट्स रूट एंड ड्राइड, इसकी जो रूट्स हैं वो ड्राई करके अबव ग्राउंड पार्ट्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन।
जो मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर वाला पार्ट है वो हम बेसिकली यूज करते हैं, और हम यूज करते हैं इसको हाई बीपी में, हार्ट फेलियर में, लॉस ऑफ एपेटाइट में, अपसेट स्टमक, कॉन्स्टिपेशन, लिवर, गोल ब्लैडर डिसऑर्डर, कैंसर एंड रैपिड हार्ट बीट। सो इन सब में हम इसको यूज करते हैं, इन्फ्लेमेशन में भी यूज करते हैं, स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं उसका पेस्ट बना के। इन फूड चकोरी लीव्स आर ऑफ्टन ईटन लाइक सेलरी। फिर ये उसका लेने का तरीका हो गया कि हम फूड में कैसे कि हम उसको डायरेक्टली ले लेते हैं और उसके जो रूट्स और लीफ्स बड्स होते हैं उसको बॉईल करके खाते हैं, तो ये लेने का तरीका हो गया। और वर्क कैसे करता है कि माइल्ड लेक्सेटिव इफेक्ट है, जो बाइल है जो गोल ब्लैडर से सिक्रिट हो रहा है उसको इंक्रीज करता है और स्वेलिंग को डिक्रीज करता है। उसके बाद इसका सिनोनिम है कसानी, जो हम हिंदी में बोलते हैं। वाइल्ड चाइकोरी भी इसको बोला जाता है। बोटनिकल सोर्सेस का ड्राइड लीफ एंड रूट्स ऑफ चाइकोरियम इंटाइबस, फैमिली इसकी एस्टेरेसिया। जियोग्राफिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो यूरोप, यूएस, कनाडा और इंडिया में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे न्यूट्रास्यूटिकल तो क्या बेनिफिट है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, अपसेट स्टमक, कॉन्स्टिपेशन, तो ये सारे वही पॉइंट है जो हम पढ़ चुके हैं। टॉनिक की तरह भी यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि वो यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए, स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑफ कॉफ़ी, मतलब अगर आप हाई कंजप्शन पे हैं कॉफ़ी के तो उसको ये बैलेंस करेगी। इट ऑल्सो यूज एज एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी प्रोलीफरेटिव एक्टिविटीज, पैरासिटिक एक्टिविटी के भी अगेंस्ट काम करती है ये। आफ्टर देन जिंजर, जिंजर का मेन जो बोटनिकल ओरिजिन है वो है जिंजर बर ऑफिशिनेली, फैमिली है जिंजर बरेशिया और कॉमन नेम है जिंजर इसका, ठीक है। और इसको मेनली हम अदरक बोलते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिंजरोल, जिंजरबेरीन, जिंजर बैरोल, ये सारे स्टार्च वगैरह ये सारे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। और नोजिया और वोमिटिंग को ट्रीट करने में हेल्प करता है, लॉस ऑफ एपेटाइट को अच्छा बनाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट क्या होता है गाइज, कि भूख ना लगना, सो मतलब ये आपका जो एपेटाइट है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट, अगर हम 5 ग्राम से ज़्यादा ले लेंगे जिंजर को तो वो क्या साइड इफेक्ट शो करेगा, उसे क्या क्या शो करेगा, हार्ट बर्न, स्टमक अपसेट, माउथ इरिटेशन, डायरिया, ये सारे इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं। उसके बाद है फेनुग्रीक, जिसको हम बोलते हैं कॉमनली मेथी, उसके बारे में पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम इन इजिप्ट, ग्रीस एंड रोम, तो वहाँ पे ये पहले से यूज हो रही है। एंड ये पेनेशिया, ये मतलब गुड है हर चीज़ के लिए, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसको इजिप्ट, ग्रीस और रोम में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिसिन है गाइज, ये जो 50 50 BC में पाई गई है, सो काफ़ी पुरानी हो गई है और थाउजेंड ऑफ ईयर्स से ये हमारे पास है और हम यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन, स्पाइस खाने पीने में। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये उसके किंगडम और ये सारा उसको हिस्ट्री स्क्रीन पे आपके। कॉमन नेम है इसके ग्रीक है ये, बर्ड्स फूट, तो ये सारे इसके कॉमन नेम है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें स्टीरोइड्स है, C27 सेपोजिनिन। नाइट्रोजन कंपाउंड की बात करें तो इसमें है कोलिन, ट्राइगोनेलिन, बेटेन, और तो ये सारे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे वोलेटाइल होगी हेक्सिनोल, एनिलिन, फिनोल, रिच इन लाइसिन है ये। उसके बाद इसके हेल्थ बेनिफिट हैं, वेट लॉस में काम करता है ये, स्किन हेल्थ में काम करता है, स्किन और हेयर हेल्थ में काम करता है, डाइजेशन में इंक्रीज लिबिडो, वुमेन्स हेल्थ में इंक्रीज करता है, अर्थराइटिस होता है उसको भी इंक्रीज करता है, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, और काफ़ी सारे इसके बेनिफिट है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है गार्लिक प्लांट, मतलब जो लहसुन होती है हमारी मेनली। सो ये रूट क्रॉप है, मतलब मिट्टी के नीचे पाई जाती है और सबसे ओल्डेस्ट है जो हम यूज़ करते हैं, और ये सेटाइवन फैमिली से मेनली बिलोंग करती है। लीफ लॉन्ग होती है, नैरो होती है और फ्लैट लाइक ग्रास, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसी उसकी लीफ होती है। कॉमन यूज और बेनिफिट क्या है इसका, कि कॉमन कोल्ड को प्रिवेंट करती है, हेल्थ डिसीज को प्रिवेंट करती है, एंटीसेप्टिक के लिए काम करती है, एंटीमाइक्रोबियल, इंसेक्ट रेप्लिकेंट भी है, एंटी कैंसर इफेक्ट है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी कोगुलेंट है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई टेंशन, इन सब में हम इसको यूज करते हैं। फ्यू कंपाउंड्स आइसोलेट फ्रॉम गार्लिक बल्ब्स, ये सारे कंपाउंड्स हैं जो हम उसमें से आइसोलेट कर लेते हैं अपने यूज के लिए। नेक्स्ट है हनी, जिसको हम शहद बोलते हैं, तो ये क्या है, स्वीट फूड मेड बाय बीज यूजिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। तो जैसे कि आपको पता है कि वो शहद कैसे इकट्ठे करती है मधुमक्खी, वो किसी भी फ्लावर पे गई, नेक्टर से उसने मतलब वो उसका सक कर लिया फ्लावर का, और उसको फिर अपने जो उसका बीज हाइव्स होता है उसमें उसने स्टोर कर लिया,
मतलब 20 हाइव्स मतलब उसने अपने छत्ते में स्टोर कर लिया शहद को, तो हम इसको फोड़ के हम हनी उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। सो यही बात बता रखा है कि बीज आर यूजिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, उसको कलेक्ट कर लेती है। ये न्यूट्रिएंट्स हैं सारे, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सारी परसेंटेज उसकी लिखी हुई है। मेडिसिनल यूज क्या होता है कि ह्यूमन बहुत सारे एलिमेंट्स में यूज करते हैं हम, जैसे अल्सर, वंड्स, बर्न्स, वंड्स मतलब घाव, बर्न्स अगर कोई जल गया, तो ये सारे उसके एप्लीकेशन है। हनी कंटेन प्रोटीन, उसके बाद विटामिन B6, फोलेट, विटामिन सी, कैल्शियम, काफी सारी चीजें कंटेन करता है हनी। ट्रेडिशनली वेट लूज में हम इसको सिनेमन के साथ, सिनेमन होता है दालचीनी, तो उसके संग हम इसको कंबाइन करके वेट लूज के लिए यूज करते थे। उसके बाद ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखता है, मसल जो उसकी रिकेपरेशन होती है उसको हेल्प करता है, ग्लाइकोन रिस्टोरेशन को हेल्प करता है वर्कआउट के बाद। मिल्क और हनी को हम पहले अब भी हम टुगेदर यूज करते हैं स्मूथ सूथिंग स्किन के लिए। इस हीलिंग प्रोसेस को भी ये स्पीड अप करता है, एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो अश्वगंधा, जो हेविली हेल्दी मेडिसिनल हब है। ये उसके सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मसल स्ट्रेंथ को हेल्प करता है बूस्ट करने में, जॉइंट पेन होता है उसको भी रिड्यूस करता है, इंक्रीज करता है एंड्योरेंस एंड स्टेमिना, बूस्ट इम्यूनिटी, ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करता है, एड्रेनल फटीग इन सब को मतलब हेल्प करता है। उसके बाद बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके, एल्कलॉइड्स, स्टीरॉयडल लैक्टोनसिस, सेपोनिन, और ये सारे इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, और ये एंटी स्ट्रेस एजेंट भी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आंवला, जिसको हम बोलते हैं इंडिया गूस बेरी, बहुत फेमस फ्रूट है जो विटामिन सी को कंटेन करता है। ये उसके बेनिफिट हैं कि लिवर की फंक्शनिंग को, मेंटल फंक्शनिंग, और टीथ में और स्किन वगैरह के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये सेम चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पायरुलिना, जो एक एल्गी है जो सी में पाई जाती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बूस्ट करेगी इम्यून सिस्टम को, ग्रेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये सारा इसका है। एंटी कैंसर है, प्योरीफाई द लिवर, रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम ब्लड, यूजफुल फॉर रेडियो एक्टिव एक्सपोजर। स्पायरुलिना होता क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो पीपल मतलब हम लोग लेते हैं एज अ डाइटरी सप्लीमेंट। पीपल कंसिडर स्पायरुलिना अ सुपर फूड ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट न्यूट्रिशनल कंटेंट एंड हेल्थ बेनिफिट। ठीक है, उसके बाद हाई प्रोटीन विटामिन कंटेंट रहता है उसमें, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा अल्फाल्फा के बारे में, ये होता क्या है, उसके बाद उसके हेल्थ बेनिफिट, फिर हमने पढ़ा चायकोरी के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा जिंजर, और उसके बाद हमने पढ़ा फेनुग्रीक जो मेथी होती है जो इजिप्ट, ग्रीस और रोम में काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है। उसकी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, उसके कॉमन नेम्स, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसके हेल्थ बेनिफिट। फिर हमने पढ़ा गार्लिक प्लांट के बारे में, ये उसका यूज़ क्या है और कंपाउंड्स जो हम उसको मेनली आइसोलेट कर लेते हैं। फिर हमने पढ़ा हनी के बारे में, काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट थे कि वेट लूज स्किन में हेल्प करता है। उसके बाद अश्वगंधा के बारे में पढ़ा जो एंटी स्ट्रेस काम करता है। फिर हमने आंवला के बारे में पढ़ा जो विटामिन सी का काफ़ी अच्छा सोर्स है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, लिवर फंक्शन को अच्छा करता है। उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा स्पायरुलिना जो एलगी होती है हमारी, ब्लू ग्रीन एलगी, विटामिन प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट ये होता है। सो यही था गाइस इस लेक्चर में, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट एंड वीडियो गिव द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू हेयर ज्वाइन अस बाय सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।